नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी SBI बैंक का नया ATM कार्ड मिल चुका है तो ATM मशीन में जाके और इसका पिन बनाना पड़ता है, तो आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो कि नया ATM कार्ड का एक्टिवेशन हो रहा है। तो जब भी आप ATM मशीन में जाते हो इसका पिन बनाने के लिए, तो सबसे पहले तो आपका 11 अंकों का अकाउंट नंबर और रजिस्टर मोबाइल नंबर याद होना चाहिए, या फिर आप एक पेपर में लिख के लेके जा सकते हो, क्योंकि मशीन में फटाफट से डालना होता है वरना टाइम आउट हो जाता है। तो चलिए मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ कि इसका नया पिन किस प्रकार से बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ATM मशीन में अपना कार्ड डालेंगे। इसके बाद दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है इंटरनेशनल और दूसरा है डोमेस्टिक। तो आपको डोमेस्टिक चूज़ करना है। इसके बाद से लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से दो अंकों की कोई भी संख्या डाल के यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद पिन जनरेशन सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे 11 अंकों का और प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के प्रेस इफ करेक्ट पर क्लिक कर देंगे। और इसके बाद आपकी जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है और आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आता है और उस मैसेज में एक OTP रहता है जो कि 24 घंटे की वैलिडिटी रहती है। इसके बाद दोबारा से मशीन में अपना कार्ड डालेंगे, डोमेस्टिक सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद से लैंग्वेज चूज़ करेंगे। इसके बाद से यहाँ पर कोई भी दो अंकों की संख्या डाल कर यस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पिन एंटर करेंगे जो आपके मोबाइल पे मैसेज के थ्रू आया है। इसके बाद बैंकिंग सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन चेंज पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर अपना ट्रांजैक्शन पिन बना लेना है जो भी आपको रखना है। इसके बाद से पिन को दोबारा डालेंगे ताकि कंफर्म हो जाए। तो फाइनली दोस्तों, आपका जो ट्रांजैक्शन पिन है वो सक्सेसफुल बन गया है। अब आप इस पिन के थ्रू कोई भी बैलेंस इंक्वायरी या फिर कैश विद्रावल कर सकते हो।